हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेन नर्सरी। फिर से एक बार स्वागत है एक और नया ब्लॉग में। ब्लॉग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज जो वीडियो हो रहा है ये भी थोड़ी ब्लॉग टाइप सा ही है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ब्लॉग। देखिए ये एप्पल बेर का है हमारा, और इसमें कैसे हम लोग इसका रखा है, कैसे तैयार करके रखा है। देखिए पहले तो हम लोग क्या किया, इधर थोड़ी और एक सब्जी था, ठीक है, तो उसका वो सब्जी ख़त्म हो गया। ये सब उसका अभी तक इसका ये है, ठीक है, तो वो सब ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद जो है ये वैसे का वैसा ही है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, जो एप्पल बेर का जो पेड़ है, तो इसके ऊपर इसका डाली देखिए इसके ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है। तो लगाने के बाद देखिए टोटल जो एरिया है, देखिए ये ऐसा इसके ऊपर आ गया, ठीक है। और जो है ऊपर आने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ, और इसमें क्या होता है फ्लावर भी बहुत अच्छे से मतलब फ्लावर भी रहता, और मतलब बेर का कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। और देखिए काफ़ी सारी प्लांट में अभी तो फूल आ चुका है, और ये आपका ग्रीन बाउट जो ग्रीन कलर का बेर होता है वो है, ठीक है। और देखिए कितने तादाद में फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग का बात करें तो देखिए कितने तादाद में पूरा मतलब बेर का बगीचा जैसा पूरा भर चुका है। और आप लोग क्या करते हो, बहुत दूर दूर बेर बिठाते हो, ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने लगभग इधर देख सकते हैं आप, मैं थोड़ी अच्छे से आपको दिखाऊँ, तो देखिए ये जो है ये एक पेड़ है, और उसका बगल में ही और एक पेड़ है, और उसका देखिए ये जो टोटल है ये कुछ इस तरह है। मतलब लगभग डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग एक अंदाज़े से 6 से 7 फीट लगभग 6 फीट ही हाइट है, सॉरी हाइट नहीं, इसका डिस्टेंस है इधर से उधर तक का। तो सभी पेड़ का देखिए कुछ जगह पे तो 5 फीट भी है, ठीक है, एकदम जैसा पास ही है, ठीक है। तो ये देखिए फ्लावरिंग देखिए आप लोग क्या होता, आप लोग बोलते हैं कि फ्लावरिंग नहीं होता दादा, इतना क्यों नहीं होता, क्या होता है, तो कुछ हार्मोन होता है जो इसके ऊपर जब फ्लावर होता है तो स्प्रे करना पड़ता है। वो आप अगर किसी को चाहिए तो हमको कॉमेंट कीजिए, हम उसका नाम आप तक आपको बता देंगे, तो आप वो खरीद के फिर स्प्रे भी मार सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, अभी तो शाम हो चुका है, ठीक है, शाम हो चुका पूरा। तो देखिए और आगे भी हम लोग आपको लेके जाते हैं, देखिए कितना फ्लावर, देखिए बस इतना खूबसूरत होता है। आप लोग जो लोग घर में ये बेर की प्लांट तैयार करते हैं, तो उनको भी हम बोलेंगे, उनको भी सेम ही चीज़ बोलेंगे कि आप लोग क्या कीजिए, जो छत के ऊपर जो लोग बिठाते हैं एक दो पेड़, उनको भी सेम ऐसा कीजिए, नीचे से कुछ सपोर्ट दीजिए, ठीक है। देने के बाद देखिए पेड़ का जो फ्लावर देखिए और भी अच्छे से मतलब होगा, और भी ज़्यादा पेड़ पकड़ेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए ये एक ज़मीन है जो इधर पड़ा है हमारा, ठीक है, और हमारा जो है पूरा का पूरा गांव है, आप तो जानते ही है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए ये हमारा अभी सूर्य जो है, देखिए शाम होने ही वाला है, एकदम शाम ढालने वाला है। अभी इधर भी जैसे पिंक कटल वगैरह वो भी इधर हमने लगा के रखा है थोड़ी, इसका भी ग्राफ्टिंग करेंगे कुछ दिन बाद से, इसका भी शुरू करेंगे ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो देखिए ये पिंक कटल है और ये ऑल टाइम जैक फ्रूट है, दोनों का पत्ता एकदम अलग अलग है। पिंक कटल में क्या होता है, थोड़ी स्मूथनेस ज़्यादा होता है। देखिए जैसे हमने किसी सरसों का जो ऑयल होता है वो जैसे हमने इसके ऊपर रख दिए हो, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें आपका एकदम रूखा सूखा मतलब देख ही सकते हैं,
ठीक है। इधर जामुन का भी है, थोड़ी थोड़ी जामुन का भी है, ठीक है। वैसे ये ज़मीन जो है छोटा ज़मीन है, ठीक है। तो इधर कुछ हमने लगा दिया ताकि ज़मीन मतलब कुछ होते रहते कुछ। ये देखिए, ये आपका चीकू का है, जो काला पत्ती चीकू होता है उसका है, ठीक है। बाकी परवल का भी थोड़ी बहुत पिछले ब्लॉग में हमने दिखाए थे, इधर भी देखिए परवल, पर वो जात उसका जात अलग था, इसका जात कुछ अलग है। देखिए ये थोड़ी आपका ब्लैक कलर का है, वैसे तो ये व्हाइट परवल नहीं है। व्हाइट परवल जो होता है वो ऐसा ऊपर होता है और ब्लैक परवल वो नीचे होता है, ठीक है। तो ये एक होता है जी। बाकी मैंगो की प्लांट की बात करें तो देखिए इसको हमने फिंस किया था, बेराना का प्लांट, बेराना मैंगो। देखिए कितना, एक साल भी नहीं हुआ अभी तक, अगर घर को हम बोलेंगे तो ये देखिए अभी तक ये एक साल भी नहीं हुआ। ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इसका, ठीक है। लगभग हमने अगले साल इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ग्राफ्टिंग कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, और जितना हम ग्राफ्टिंग करेंगे उसके ऊपर फिर अगले साल और भी ज़्यादा इसमें से ये दे देगा, जो आपका क्या बोलते हैं ऊपर वाला जो कलम होता है वो देगा। और वो देखिए, वो हमारा ऑल टाइम है, उधर पड़ा है, ठीक है, उसका कोई देखता ही नहीं है, वो चुपचाप पड़ा है। मैंगो भी लगभग छोटे छोटे आ रहा है उसमें, भी थोड़ी दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये आपका ऑल टाइम है। बाकी का जो है जैकफ्रूट है, ये है, ठीक है। एक एक साइड में एक एक चीज हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से हम लोग बना के रखा था, ठीक है, रखा है। देखिए, और हमारा गांव का जो है, देखिए खूबसूरत, देखिए कितना खूबसूरत हमारा गांव है। आसमान भी आज पूरा एकदम बहुत ही अच्छा है। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और लाइक कीजिए वीडियो, अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपना जो जिसके साथ भी हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसका ये कर देंगे। अगर किसी भी पौधे के लिए आपको जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको एकदम सही से उसका सॉल्यूशन कर देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को, क्योंकि आप लोग है तो चैनल है, आप लोग नहीं है तो चैनल भी नहीं है, ठीक है। तो हम एकदम नए नए ब्लॉग शुरू किए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, आगे और भी वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है। कुछ दिन हुए हैं हमने कोई पौधा का वीडियो नहीं डाल रहा है, तो वो भी डालेंगे, क्योंकि अभी कोई फ्रूट नहीं है पेड़ में, ठीक है, ऐसा टाइम है अभी कोई भी पेड़ में फ्रूट नहीं है। तो फ्रूट आने के बाद हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबे हो गए, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अलविदा कहते हैं, खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए।